वहाँ पे शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गई, दौड़ना नहीं आता था, चीज़ें करना नहीं आता था, फिजिकली इतना फिट नहीं थे। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान कभी ऐसा मन में आपका विचार आया है कि नहीं जैसे मेरे को अब छोड़ के जाना है, मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसा कब? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू के एक महीना तो ऐसा एक दिन भी नहीं था कि ये विचार मेरे मन में नहीं था। मुझे जितना पढ़ाई करना है उतना मुझे इन्जॉय भी करना है, तो हमेशा एक बैलेंस बना होता था मेरी लाइफ में। मैं सुबह 4 से 8 करती थी पढ़ाई, उसके बाद में पूरे दिन अपने कॉपी बुक्स को हाथ भी नहीं लगाती थी। राम राम और जय जोहर, आप जम्मो संगवारी मल्ला, मैं दिलीप कुमार, आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल। आज हमारे बीच में बैठे हमारे छत्तीसगढ़ के पहली महिला लेफ्टिनेंट वंशिका पांडे, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर के रवैया हरे। और तो आज इखर सन गोट बात करबो, जानबो इखर मन के बारे में कि आखिर कैसे टाइप के जो है इखर मन के चयन हुई से का कुछ प्रक्रिया से मन गुजरे है, पूरा जानबो इखर मन के अनुभव ला, कैसे टाइप के मन पूरा ट्रेनिंग ली से, पढ़ाई लिखाई कैसे करी से, तो आज लेफ्टिनेंट के जो है बड़ी इखर मन के चयन हुई से, तो आज इखर सन गोट बात करबो, जानबो इखर मन के बारे में। तो संगवारियों बिल्कुल बने रहो हमारे ये वीडियो में। मैम आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जो है जन्म कहाँ हुआ है और पढ़ाई लिखाई की बात कर तो कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है आपने? तो मेरा जन्म यहीं राजनांदगांव में हुआ है। मैं स्वर्गीय श्री रजूलाल पांडे जी की सौपुत्री और श्री अजय पांडे जी की पुत्री हूँ। जूनियरटी राजनांदगांव में मेरा जन्म हुआ। मेरी स्कूलिंग की पढ़ाई बाल भारती स्कूल से हुई क्लास 10th तक के, फिर 11वीं और 12वीं मैंने युगांतर पब्लिक स्कूल से कंप्लीट किया। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जबलपुर चली गई। जबलपुर में वहाँ पे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है। जी। तो जैसे हम बात करें आपका जो है ये सेना के जो है प्रति कैसे टाइप का जो है रुझान हुआ कि मुझे अब सेना में जाना चाहिए, कैसे टाइप के जो है शुरुआती दौर में हम बचपन से क्या ऐसा था आपके मन में कि बाद में जब बढ़ते गए तो हुआ? नहीं नहीं, बचपन से ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ मेरे बड़े पापा स्वर्गीय श्री विजय पांडे जी महापौर रहे हैं वो राजनांदगांव के, और मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री रजूलाल पांडे जी, तो इनको देखते ही बड़ी हुई। इनके अंदर एक देश सेवा का जो प्रेम था वो हमेशा देखा, शहर के प्रति जो प्रेम था वो हमेशा देखा, तो कहीं ना कहीं बचपन से था कि सेवा तो देनी है लेकिन कैसे ये पता नहीं था। तो जब मैं जबलपुर गई पढ़ाई के लिए तो वहाँ पर मैंने काफ़ी आर्मी का कैंट एरिया वगैरह देखा, पहली बार आर्मी की ज़िंदगी से थोड़ा सा मैं वक्फियत हुई मेरी वहाँ पे, तो मैंने तब वहाँ से सोचा कि मुझे एक बार यहाँ पे शायद एक बार ट्राई करना चाहिए, और भगवान की दया से मैंने पहली बार में मुझे सफलता मिली। जी जी। जैसे हम बात करें जब आप जो है ट्रेनिंग के दौरान आपको कैसे जो है चैलेंजिंग जो है फेस करना पड़ा और क्या का जो है ट्रेनिंग के दौरान हुआ उसको आप बताइए ना। मेरी जो ट्रेनिंग है ये ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, मद्रास के नाम से जानते होंगे। तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में 11 महीने की ट्रेनिंग थी मेरी, और वहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म और नर्म होता है, बहुत ही ज़्यादा उमस भरा मौसम होता है वहाँ का, इस वजह से इस ट्रेनिंग को 11 महीने का किया गया। नहीं तो बाकी जितनी भी और भी अकादमीज हैं वहाँ पर 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, जितनी भी आर्मी की ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ पर शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गई, दौड़ना नहीं आता था, चीज़ें करना नहीं आता था, फिजिकली इतना फिट नहीं थे क्योंकि पढ़ाई में लगे रहे, तो शुरू शुरू में प्रॉब्लम जाती है, लेकिन आप जब करते रहते हैं वहाँ का ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ऐसा है कि धीरे 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 आप उस चीज़ में ढल जाते हैं, और आपके परिवार का अगर सपोर्ट हो मेंटली तो आप उस चीज़ को निकाल जाते हैं। जी जी। तो ट्रेनिंग के दौरान कभी ऐसा मन में आपका विचार आया है कि नहीं जैसे मेरे को अब छोड़ के जाना है, मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसा कब? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू के एक महीना तो ऐसा एक दिन भी नहीं था कि ये विचार मेरे मन में नहीं था। और वहाँ पे आपके पास फ़ोन नहीं होता है। अच्छा। तो आप सिर्फ संडे को अपने घर में बात कर सकते हैं, तो हर संडे में वैसे पापा को बोलती थी कि पापा अब नहीं हो पा रहा है, ये मेरी चीज़ मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन धीरे 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 वो ऐसा ढाल देते हैं आपको कि आप हर चीज़ करने लगते हो। पहले मैं 2 किलोमीटर नहीं दौड़ पाती थी, अब मैं 25 किलोमीटर दौड़ के बैठी हूँ। तो ये ट्रेनिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आप अपने अंदर को पहचान जाते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो और कहाँ तक कर सकते हो। लोग तो अपने लिए हर कोई जीते हैं, लेकिन देश के लिए जीना एक बहुत बड़ी बात होती है, और चूँकि आप एक महिला हो तो महिलाएं कहीं ना कहीं इस जो क्षेत्र में बहुत कम ही आते हैं, आप हमारे छत्तीसगढ़ के कहीं ना कहीं और देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो, खास करके लड़कियों के लिए। आप पढ़ाई के दौरान हम बात करें तो आप किस प्रकार के जो है जैसे शुरुआती दौर में हम स्कूली या फिर कॉलेज लाइफ की यदि बात करें तो कैसा टाइप का आपका पढ़ाई जीवन बीता है उसको बताइए आप।
मैं पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी थी, मतलब मम्मी काफ़ी ध्यान देती थी पढ़ाई में, तो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही रहती थी मैं स्कूल में। फिर कॉलेज की बारी आई तो मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया अपने कॉलेज में, फर्स्ट रैंक रहा मेरे एमपी जोन में, और मेरे इंजीनियरिंग में 90% मैंने स्कोर किया था। उसी बेसिस में फिर मुझे आर्मी से सिलेक्शन का कॉल आया था। तो पढ़ाई तो चाहिए, लोगों को लगता है कि आर्मी मतलब पढ़ाई नहीं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ऑफिसर हैं तो आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको फिजिकली फिट भी होना है, और आपको अपने जवानों को भी संभालना है। तो पढ़ाई के दौरान हम यदि बात करें, कहीं ना कहीं हमारे इंटरव्यू को युवा भी देख रहे हैं जो कुछ तैयारियां कर रहे हैं, तो कैसे आपका जो है पढ़ाई का जैसे टाइम बात करें तो सुबह कैसे पढ़, मतलब शेड्यूल कैसे रहता था आपका पढ़ाई का, कितने घंटे समय देते थे? मैं ऐसी हूँ कि मुझे जितना पढ़ाई करना है उतना मुझे इन्जॉय भी करना है, तो हमेशा एक बैलेंस बना होता था मेरी लाइफ में। मैं सुबह 4 से 8 करती थी पढ़ाई, उसके बाद में पूरे दिन अपने कॉपी बुक्स को हाथ भी नहीं लगाती थी। 4 से 8 सुबह पढ़ाई किया, कॉलेज गए, कॉलेज में इतने सारे एक्टिविटीज़, कभी एंकरिंग करने जा रही हूँ, कभी डांसिंग के लिए जा रही हूँ, कभी कुछ स्पोर्ट्स खेलने जा रही हूँ, तो टाइम नहीं होता था मेरे पास। तो पढ़ाई का एक फिक्स टाइम था 4 से 8, और वो बहुत ही बेस्ट टाइम है। मेरे पापा ही मुझे बचपन से बोलते रहते थे कि बेटा सुबह उठ के पढ़ो, लेकिन तब वो समझ में नहीं आता था, तब बच्चे थे, लेकिन जब बड़े हुए खुद समझ आने लगा। तो पढ़ाई सुबह के टाइम पे ही करके छोड़ दो, और उसके बाद घंटों की ज़रूरत नहीं है पढ़ाई में, फोकस की ज़रूरत है बस। अगर आप 2 घंटा भी पढ़ रहे हैं और अगर आप ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं तो वो बहुत है, पूरे दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे आपको जब पता चला कि आपका जो है चयन हो गया है लेफ्टिनेंट के रूप में, तो आपका रिएक्शन कैसा था और परिवार वालों का कैसा रिएक्शन था, वो जो पल जो था उसको आप थोड़ा दर्शकों को बताइए। वो पल तो बहुत ही खास होता है जब कि पता होता है कि सिलेक्शन हो गया है, होने वाला है, लेकिन वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी। वहाँ से एकेडमी जाना था, 11 महीने की कड़ी ट्रेनिंग करनी थी, अब जा कर के वो जो एक जर्नी की शुरुआत हुई थी आज से 1-1.5 साल पहले, अब वो जा कर के ख़त्म हुई है। अब मैं बोल सकती हूँ कि अब मैं काफ़ी अच्छा महसूस करती हूँ कि मैंने उस कठिन जर्नी को अपने फैमिली के सपोर्ट के मदद से निकाल लिया। आपका जैसे हम बात करें, जैसे आपका जो है लुक कहीं ना कहीं लड़कों जैसा लुक है, तो क्या आप शुरू से ऐसे ही मतलब रहते थे कि अभी कुछ चेंज हुआ है? शुरू में मैं भी नॉर्मल लड़कियों की तरह, मेरे भी यहाँ तक लंबे बाल हैं। सिर्फ ये ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा नर्म और गर्म है, बहुत ही ज़्यादा, तो वहाँ पे बाल आप नहीं मैनेज कर सकते, तो इसीलिए ट्रेनिंग के टाइम पे ये कंपलसरी कर दिया गया है कि हमको बाल छोटे रखने हैं सभी के लिए। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद अब हम बाल अपने बढ़ा सकते हैं, तो ये सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान के लिए होता है, अब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अब रख सकते हैं। हाँ, अब बाल मैं रखूँगी, इसलिए अब मैंने 2-3 हफ्तों से काटे भी नहीं है बाल, तो अब बढ़ाऊँगी जी। आपको जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो है भी जो है बधाई दिए हैं, आप उनके निवास गए थे, कैसा वो पल था? क्योंकि प्रदेश के मुखिया जब ऐसे जो है बधाई देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो कैसा लगता है ये आप थोड़ा बताइए। बिल्कुल, वो पल बहुत ही अच्छा था, उनका आशीर्वाद लिया मैंने कि ताकि अब मैं आगे और भी अच्छा कर सकूं, और भी जो लोग हैं हमारे छत्तीसगढ़ से, मैं उनसे ये विनती करती हूं कि प्लीज़ इस तरफ में आइए, क्योंकि हमारा एक लैंडलॉक स्टेट है और ज़्यादा लोग नहीं आते, और लोग शायद बाहर इस चीज़ को नहीं जानते। मैं उनको बोलती थी कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, वो पूछते थे कि आप झारखंड से हो। अच्छा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगती थी, और फिर मैं उनको कहती थी कि जा कर के ना आप एक बार मैप पढ़िए, अगर आप टेस्ट दे के आए हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो अभी ये छवि है बाहर छत्तीसगढ़ की, लेकिन ये धीरे धीरे हटेगी, और हम आप और हम जब मिलके कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल हटेगी। मैम, यदि हम बात करें तो आप जब भी समय मिलता है, आपको खाली समय जब रहता है आपके पास, तो उस दौरान आप क्या करते हैं, कैसे अपना जो है समय बिताते हैं? खाली समय में मुझे केक बनाने का बहुत शौक है, तो मैं केक्स बनाती हूँ घर पे अपने, मैंने बहुत बड़ा ओवन मंगवा रखा है अपने चाचा से, केक बनाती हूँ। मुझे साइकिलिंग का बहुत शौक है, मुझे डांसिंग का बहुत शौक है, मैं स्केचिंग का बहुत शौक है मुझे, तो मैं अपने जनरली मैं ये सारी चीज़ें करना पसंद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप कीमती समय निकाल के समय दिए और हमसे बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई हो जो हमारे छत्तीसगढ़ के पहली महिला लेफ्टिनेंट के रूप में आपका चयन हुआ, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो संगवारियों, ये रही हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के पहली महिला लेफ्टिनेंट वंशिका पांडे जी, जिखर से हमारा गोट बात करें ना, वो अपन अनुभव ला बताई नहीं मन हाँ, आप मल्ला हमारे ये इंटरव्यू, हमारी ये गोट बात कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताओ।
मिलता नव वीडियो के संग में देखा रहो आपके अपन चैनल मोर मितान। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।